In this chapter, we are going to start strategies for enhancement in food production. So this is your 9th chapter of your 12th syllabus, and it is a very, very easy chapter, and you won't have to study much beyond NCERT. इस चैप्टर में हमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर में हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं, और ये बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है. इसमें आप लोगों को कुछ भी ज्यादा जेनेटिक्स की तरह समझने वाले प्रोसेसेस नहीं पढ़ने हैं, और अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर का वेटेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट रहता है एज पर द साइज ऑफ द चैप्टर. सो काफी इजी चैप्टर होने वाला है, एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस और वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, उनका इंडस्ट्री बेस्ड यूज क्या है, और यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. सो वी आर गोना स्टार्ट दिस चैप्टर. यहाँ पे हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, उसके बाद हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. सो एनिमल हस्बेंड्री में मेनली हमें एनिमल्स के बारे में, जैसे उनका केयर टेक करना है, कैसे उनको हम लोग को रखना है, कैसे उनसे मैक्सिमम बेनिफिट अटेन करना है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है एनिमल हस्बेंड्री में. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वुड बी एनिमल हस्बेंड्री. So this animal husbandry is a science. It can also be said as an art. So therefore it is a science as well as an art. इसको कहते हैं कि ये scientific method से अगर हम लोग जानवरों को रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो वो काफी ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट देंगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो साइंटिफिक मेथड की बात हुई, इट इज ऑल्सो एन आर्ट टू कीप एनिमल्स एट होम और फॉर डोमेस्टिकेटेड purposes. So this is the normal definition of animal husbandry. यहाँ पर क्या है कि हमें जानवरों का रखना, उनको फीड करना, उनका हाउसिंग, उनका ब्रीडिंग, दैट इज उनका रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों का केयर करना इन अ साइंटिफिक वे एंड इन अ आर्टफुल मैनर. एंड फॉर वॉट? फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स. यानी कि जानवरों को साइंटिफिक मेथड से रखना, उनके रिप्रोडक्शन का व्यवस्था करना, उनको फीड करना और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री. अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि क्या क्या एनिमल हस्बेंड्री के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे मैनेज किया जाता है इन जानवरों को रखना. सो द फर्स्ट थिंग इन एनिमल हस्बेंड्री वुड बी डेयरी फार्म मैनेजमेंट, एंड देयर आफ्टर वील स्टडी अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट.
सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द मिल्क प्रोडक्शन और द मिल्क इंडस्ट्री. तो मिल्क वाले जो पूरे नेक्सस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेयरी फार्म्स और डेयरीज इन जनरल. सो यहाँ पर क्या होता है कि काउज एंड बफेलोज एंड अदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, सो उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है और मैनेज किया जाता है फॉर वॉट, फॉर ऑप्टिमम क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ मिल्क. यानी कि यहाँ पर वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे काउज या बफेलोज का यूज किया करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो पाए एंड ऑल्सो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ मिल्क भी हो. डिफरेंट डिफरेंट काउज में या डिफरेंट डिफरेंट बफेलोज में प्रोटीन और फैट्स का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है. सो वी वॉन्ट इट टू बी लो इन फैट्स एंड ऑल्सो रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन. तो यहाँ पे दैट इज मेंट बाई क्वालिटी. वैसा मिल्क जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो फैट कम हो उसको हम लोग गुड क्वालिटी मिल्क कहेंगे. एंड यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज जितना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो उतना ही ज्यादा बेहतर हो. तो देर आर फोर थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट. तो यहाँ पर चार चीजें मेनली इन्वॉल्व है. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज फीडिंग, ब्रीडिंग, वीडिंग एंड हीडिंग. तो इन चारों का क्या मीनिंग है, वी विल सी दैट नाउ. तो यहाँ पर फीडिंग में हम लोग काउस को ऐसा फूड या बफेलोस को ऐसा फूड देने की कोशिश करेंगे जो कि बेस्ट क्वालिटी का हो, दैट इज द ग्रीनरीज और द ग्रीन ग्रासेस आर द बेस्ट फूड फॉर काउस. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ फीडिंग की भी जरूरत होगी, यानी कि जो क्वांटिटी में दिया जाएगा वो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी. आफ्टर दैट वी हैव ब्रीडिंग. So these are the four steps of dairy farm management. सबसे पहले क्या है कि providing best suitable food, that is feeding. The other one is breeding. यहाँ पर वैसे individual के बीच में reproduction किया जाएगा जिनमें की desired traits हो.
फॉर एग्जाम्पल ऐसे काउज को लिया जाएगा, ऐसे काउज एंड बुल्स को लिया जाएगा तो जिसमें कि बेहतर तरीके के इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर काउज के बेसिस में हम बात करें तो वैसी काउज को प्रेफर किया जाएगा जिनमें मिल्क प्रोडक्शन एबिलिटी ज्यादा होता है। अगर हम बुल्स की बात करें तो बुल्स में वैसे बुल्स को प्रेफर किया जाएगा जो कि एक एलीट ऑफस्प्रिंग दे सके। आफ्टर दैट वी हैव वीडिंग। वीडिंग में सपोज कुछ ऐसे काउज हैं या कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग्स आए हैं जिनमें डिजायरेबल ट्रेट्स नहीं है, मान लो किसी काउज में मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, सो वी विल नॉट अलाउ दैट काउ टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उससे अनडिजायरेबल ट्रेट्स वाले काउज आएंगे, यानी कि कम मिल्क प्रोडक्शन वाले काउज आएंगे। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि कम मिल्क प्रोडक्शन हो तो वहां पर हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वीडिंग। उसके बाद आता है हीडिंग। हीडिंग मीन्स लिसनिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द काउ और प्रोवाइडिंग फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द काउ। यहाँ पर गाय को या भैंस को या जो भी कैटल है उसके जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, दैट इज कॉल्ड हीडिंग। यानी कि जो साफ सफाई होनी चाहिए, जो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसके अलावा उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सो दीज आर द नॉर्मल थिंग्स विच कम अंडर डेयरी मैनेजमेंट। इसके बाद हमें देखना है पोल्ट्री मैनेजमेंट। सो पोल्ट्री फार्म्स में मेनली क्या क्या होते हैं? चिकन, डक, गीस एंड टर्की, दीज आर द फोर बर्ड्स विच आर मोस्ट कॉमन इन पोल्ट्री। तो यहाँ पर ये सारे तो हो गए जिनमें हमें, जिनकी वजह से हमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करना है, जिनके लिए करना है। एंड इनमें से दो क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? एग्स एंड मीट, दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम दीज। तो यहाँ पर भी जो फार्म मैनेजमेंट है उनमें क्लीनलीनेस इज अ मस्ट। After that, we also have to study about the various temperature and as well as light conditions required for a optimal egg and meat production. So, यहाँ भी cleanliness तो हर जगह maintain करना होगा, whether it's farm management or whether it's this case. इसके अलावा चिकन का एक अलग तरह का फीड होता है, दैट मोस्टली दैट इज फ्रॉम कॉल्ड मेज दलिया, तो उन सब प्रॉपर फूड्स को अवेलेबल कराना भी जरूरी है। अब यहां पर ये तो मोस्ट कॉमन चीजें हैं कि क्लीनलीनेस होना ही चाहिए, प्रॉपर खाना होना ही चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो स्पेसिफिकली पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं, एंड दैट इज टेम्परेचर। तो बर्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेदर होता है वो काफी थिक होता है, तो अगर थिक फेदर है तो वो कोल्ड को तो अच्छे से टॉलरेट कर सकता है लेकिन वो गर्मी को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए पोल्ट्री में टेम्परेचर का मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है, और अगर हम चाहते हैं कि एग प्रोडक्शन बहुत सही से हो तो वहां पर 13 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होगा। इट्स एक्चुअली 13.3 टू 29.7, इट्स अप्रोक्सीमेटली दिस टेम्परेचर रेंज। सो ये टेम्परेचर रेंज जरूरी होता है इसके बेस्ट एग प्रोडक्शन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइट का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो लाइट में क्या रिक्वायरमेंट है, यह है कि 14 से 16 घंटे तक, जिसमें कि डे लाइट इंक्लूडेड है। सपोज सनलाइट अगर 12 घंटे तक रह रहा है तो 2 से 4 घंटा उसको एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लाइट देना होगा। सपोज अगर विंटर का टाइम है और वहां पर सनलाइट सिर्फ 8-9 घंटे हैं तो यहां पर 7-8 घंटे के आसपास लाइट देना पड़ेगा। तो टोटल आवर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड करना होता है चिकन को, और उसमें डे लाइट को इंक्लूड करके टोटल 14 to 16 आवर्स ऑफ सनलाइट की जरूरत होती है, खासकर जब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है चिकन का या फिर जब वो एग्स प्रोडक्शन वाला टाइम होता है उस टाइम पर जरूर ही ये चाहिए होता है। अगर इसके बिना हम लोग एग प्रोडक्शन करें तो वो कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो दिस वॉज अबाउट डेयरी मैनेजमेंट एंड दिस इज अबाउट दिस पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दिस वी हैव टू स्टार्ट एनिमल ब्रीडिंग। सो एनिमल ब्रीडिंग में
डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स या एक ही ब्रीड के अंदर जो रिप्रोडक्शन हम लोग को कराना है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये जानना होगा कि एक ब्रीड होता क्या है। When we are talking about breed interbreeding or interspecific hybridization or inbreeding, outbreeding, whatever be the case, so first of all that has to occur within the breed or the outside the breed. But before that we have to understand what a breed means. तो यहां पर एक ब्रीड किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाई डिसेंट, यानी कि इनके जो एंसेस्टर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, एंड दीज आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि उनका हाइट, साइज, अपियरेंस, एक्सटर्नल फीचर, वो सारी चीजों को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिमिलर या सेम होने चाहिए एंड फिजियोलॉजिकल फीचर भी सेम होने चाहिए। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ब्रीड। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रीड में इंटरब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इनब्रीडिंग। रिप्रोड्यूस कराना, नाउ इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग में एक ही ब्रीड के अंदर रिप्रोडक्शन होगा और एटलीस्ट 4 to 6 जेनरेशन तक होगा। द अदर प्रॉपर्टी इज कि इट हेल्प्स इन इवॉल्विंग प्योर लाइंस, दैट इज होमोजाइगोसिटी। आप लोगों ने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था प्योर लाइंस पे, यानी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल पे, जो कि येलो सीड के लिए या ग्रीन पॉड के लिए या वाइट फ्लावर के लिए या वायलेट फ्लावर के लिए, सारे होमोजाइगस थे। तो यहां पर इन ब्रीडिंग से ही वो क्रिएट हो सकता है। यहां पर उसके बाद हमें ये जानना है कि इन ब्रीडिंग से हार्मफुल अलील्स जो होते हैं
वो एक्सपोज हो जाते हैं। सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हार्मफुल अलील्स हैं जिससे कोई बीमारी हो सकता है, तो इन ब्रीडिंग से क्या होगा कि वो बीमारी किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगे। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए उस ब्रीड से, तो जो बचा हुआ ब्रीड है उसमें तो वो बीमारी नहीं होगी। तो इसी वजह से इट एलिमिनेट्स द हार्मफुल एलील्स फ्रॉम द ब्रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है। अब ये इन ब्रीडिंग करते क्यों है, तो इन ब्रीडिंग करने से जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं या गुड ट्रेट्स होते हैं उस ब्रीड के, वो फिक्स्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज कुछ इंडिविजुअल में बहुत अच्छे फीचर है, सपोज किसी काऊ में बहुत हाई अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन का ट्रेट है, तो इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि वो जो हार्मफुल, वो जो हेल्पफुल हमारा ट्रेट है जो कि काउज में है, वो हम चाहते हैं कि उस पूरे ब्रीड में हो, तो उसी में इन ब्रीडिंग करेंगे जिससे उस पूरे ब्रीड में वही वाला ट्रेट रहे, जिससे कि सारी काउज जो उस ब्रीड में हो उनमें हाई मिल्क प्रोडक्शन हो। तो ये तो हो गई इसके बेनिफिट्स की बात। अब इन ब्रीडिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो हमें देखने हैं। अब ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जब लगातार बहुत जेनरेशन तक इन ब्रीडिंग किया जाए तो वो होता है। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगा, हो सकता है स्टेरिलिटी बहुत कम हो जाए, तो ऐसी चीजें इन ब्रीडिंग में हो सकता है, या फिर स्टेरिलिटी आ जाए ब्रीड में, तो ऐसी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। आफ्टर ऑल हम लोग देखेंगे कि जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस एक कैटेगरी है, आउट क्रॉस से इस इन ब्रीडिंग को रिमूव किया जाता है। सो विल नाउ स्टार्ट आउट ब्रीडिंग। So the next thing is outbreeding. So यहां पर outbreeding में दो चीज होता है, एक तो outcross and दूसरा is cross breeding. So first of all यहां जो outbreeding में एक category है, that is called outcross. So, यहां पर क्या हो रहा है कि आउटक्रॉस में इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड के बेसिस पे ही रिप्रोडक्शन हो रहा है।
लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर 4 to 6 जनरेशन तक लगातार किया गया था रिप्रोडक्शन इन द सेम ब्रीड। यहां पर 4 to 6 जनरेशन तक अगर कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, चाहे मदर साइड या चाहे फादर साइड, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री। जेनेटिक्स चैप्टर में हमने देखा था पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में हमने देखा था कि पेडिग्री होता क्या है। तो ये मदर से ऑफस्प्रिंग में या फादर से ऑफस्प्रिंग में, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है या फिर जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, उसके एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री का मतलब यहां पर है कि मदर के एंसेस्ट्री में या फादर के एंसेस्ट्री में या किसी भी साइड में कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए कम से कम 4 to 6 जनरेशन तक। दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉस। नाउ आउटक्रॉस से क्या होता है कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ था, आउटक्रॉस कैन रिमूव दैट। अब आउटक्रॉस से मिलता जुलता एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। ये भी आउट ब्रीडिंग का ही एक पार्ट है। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉसेस करा दिए जाएंगे। तो डिफरेंट ब्रीड्स के बेसिस में क्रॉसेस करा देने से 2 अलग अलग ब्रीड्स के सुपीरियर कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन होने के चांसेस होते हैं। So, यहां पर डिफरेंट ब्रीड्स के क्रॉसिंग किए जा रही है। क्रॉसिंग मतलब रिप्रोडक्शन। तो यहां पर क्या होगा कि दोनों अलग अलग ब्रीड्स के जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे उससे उसमें कंबाइन हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है हिसार डेल का। So, ये एक तरह का शीप है एंड दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स। सो इट्स अ वैरायटी ऑफ शीप एंड इट हैज सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ दीज टू। सो देयरफॉर इट हेल्प्स इन कंबाइनिंग सुपीरियर कैरेक्टर्स ऑफ टू ब्रीड्स। तो ये तो हो गई क्रॉस ब्रीडिंग की बात। आफ्टर दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो द थर्ड टाइप ऑफ ब्रीड इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। So, यहां पर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ही रिप्रोडक्शन हो रहा है।
लेकिन वो दोनों स्पीशीज टोटली एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे। ऐसे नहीं होगा कि एलिफेंट और काऊ के बीच में या लायन और डॉग के बीच में हो जाए। यहाँ पर रिलेटेड स्पीशीज होने चाहिए, भले ही डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेज एंड डोंकीज तो वो रिलेटेड होते हैं, लाइकवाइज टाइगर्स एंड लायंस आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है अगर हम आर्टिफिशियली ये करें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड म्यूल। सो इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। Likewise, we have Hini. So here female donkey and male horse. So we are not going into the details of this part. So I'll summarize the benefits. तो हिली एरियाज में म्यूल को सामान कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। इन हिली एरियाज हॉर्सेज आर नॉट वेरी यूजफुल, सो बट म्यूल्स आर रियली यूजफुल। सो यहाँ पर फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि हिली एरियाज में म्यूल और हिनी काफी ज्यादा है लेकिन यूजफुल है। लेकिन यहाँ पर म्यूल्स जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, दे कैनॉट रिप्रोड्यूस। वाई दे कैनॉट रिप्रोड्यूस वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स since it is a crash course class. So ये सारे जो interspecific hybridization से बनते हैं इनमें almost all जो होते हैं वो sterile ही होते हैं। So इसी का female form कह सकते हैं या फिर other form कह सकते हैं। तो यहाँ पर sex specified नहीं होगा because यहाँ पर मेल डोंकी फीमेल हॉर्स और यहाँ पर फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स से हो रहा है। सो इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड ओवर हियर। सो यहाँ पर इन दोनों केस में म्यूल और हिनी दोनों ही स्टेराइल होंगे, दे कैनॉट रिप्रोड्यूस। नाउ वी विल स्टार्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल्सो दोज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स। नाउ हम लोग को स्टार्ट करना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर आर्टिफिशियली सीमेन को इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा बट किया जाएगा ये कैटल के अंदर।
तो ये सूटेबल क्यों होता है? तो नॉर्मली जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पर मेनली काउज होते हैं, बुल्स का नंबर बहुत कम होता है, तो जहां पर बुल्स अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आर्टिफिशियली सीमेन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो सीमेन को फ्रेशली भी कलेक्ट करते हैं या फिर सीमेन को स्टोर करके रखा जा सकता है काफी लो टेम्परेचर पे, तो दैट सीमेन कुड बी यूज एट एनी स्टेजेस, काफी टाइम बाद भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो सीमेन को वैसी जगहों पर यूज कर जनरली किया जाता है जहां पर मेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल इंसेमिनेशन से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसेमिनेशन में हर जगह मेल को भी अवेलेबल होना पड़ेगा, जो भी मेल कैटल होगा, काउस के केस में बुल होगा, अदरवाइज बफेलोज के केस में मेल बफेलोज होने चाहिए। और नॉर्मल मेटिंग में और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं जो कि साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल हो, हर समय जरूरी नहीं है कि ईस्टर साइकिल चल रहा हो या फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज द एबिलिटी टू सरपास ऑल दोज डिफिकल्टीज। नाउ वी स्टार्ट MOET, सो इट स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। सो यहां पर क्या किया जा रहा है, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स ओवरी के अंदर ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल करा रहा था, यानी कि वो जो फॉलिकल जिससे कि अल्टीमेटली ओवम का फॉर्मेशन हुआ था, उन ओवम या फिर उन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कराना FSH का फंक्शन था। यहां पर भी वो जो फंक्शन है वही होगा, लेकिन यहां पर FSH लाइक हॉर्मोन्स का यूज किया जाएगा काउज पर। तो उससे क्या होगा कि नॉर्मली एक ओवम बनता है, तो इस केस में 4 से 6 ओवम बनेगा, और उन सबों को फर्टिलाइज अगर कर दिया गया तो सारे जो एम्ब्रियोज होंगे उनको निकालकर डिफरेंट डिफरेंट काउज के अंदर रखा जा सकता है, जिन्हें हम कैरियर काउज भी कह सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उस काउ में जो भी सुपीरियर क्वालिटीज हैं, तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन से एक ही बच्चा होता, ऐसे क्या होगा कि एक बार में 4 से 6 बच्चे होंगे, और जो अच्छे क्वालिटी के काउज हैं तो उनका बहुत शॉर्ट टाइम में उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है। सो वी विल स्टडी द स्टेप्स ईच बाय वन बाय वन।
अब यहाँ पर जो प्रोसेसेस थे उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले काउ को FSH जैसा हार्मोन दिया जाएगा जिससे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ओवम निकलेगा। नॉर्मली एक ओवम निकलता है, यहाँ पर 4 से 6 ओवम निकल सकता है। अब उसमें उन ओवम को तो फर्टिलाइज भी करना पड़ेगा, तो फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी हो सकता है और मेल से भी हो सकता है। तो ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियोस को इनिशियल स्टेजेस पे सर्जिकली नॉन सर्जिकली हम लोग रिकवर कर लेते हैं, नॉट सर्जिकली और नॉन सर्जिकली। तो इससे क्या होगा कि काउस पे जो एक ऑपरेशन है काउस पे वो नहीं करना होगा, यानी कि नॉन सर्जिकली उनसे रिकवर कर लिया जाएगा। उसके बाद जो एम्ब्रियोज होंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट कैरियर काउस, ये वो कैरियर काउस हैं जिनके अंदर बच्चे का फॉर्मेशन तो हो सकता है लेकिन इन कैरियर काउस में उतना सुपीरियर कैरेक्टर नहीं होगा जो कि इस काउ में होगा। यानी कि इस काउ में जिसमें ओवम का प्रोडक्शन हुआ है, सपोज उस काउ में बहुत अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी का मिल्क आता है, तो हम चाहते हैं कि वैसे काउस मेरे पास ज्यादा हो बनेंगे या जितने भी एम्ब्रियो बनेंगे वो सारे तो इसी काउ के होंगे ऑफस्प्रिंग्स। तो उसकी वजह से जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में वैसे वैसे बहुत सारे काउस हो सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग जनरली कैटल में यूज करते हैं एंड सबसे कॉमन है काउज एंड बफेलोज में इस मेथड का यूज किया जाता है। आफ्टर दिस वी हैव अ वेरी वेरी शॉर्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपिकल्चर। तो एपिकल्चर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसमें हमें बस यही याद रखना है कि वो कौन सा स्पीशीज है जो कि इंडिया में यूज किया जाता है नॉर्मली, एंड दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एपिस इंडिका। सो बहुत सारा स्पीशीज़ है बीज का लेकिन नॉर्मली जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ इंडिया में यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज एपिस इंडिका। सो बी कीपिंग बहुत ही सिंपल और इजी मेथड होता है बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है यहाँ पर, जैसे कि बीज को कैसा पैस्चर्स चाहिए, किस तरह का फील्ड्स चाहिए आसपास में, या फिर उनके जो बी हाइव्स होते हैं उनको कैसे अरेंज करना, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है बीज से। तो बीज के बारे में जो हम लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन है वही जानना है। तो जिस स्पीशीज का हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिस इंडिका।
सो बीज कीपिंग के लिए सबसे जरूरी है कि जहां पर हम लोग बी कीपिंग करेंगे वहां पर ग्रीन पैस्चर्स होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, वहां पर एग्जांपल क्रॉप फील्ड्स हो गए या ऑर्चर्ड्स हो गए, तो वहां पर ये बहुत जरूरी होता है। अब बीज का जो बेनिफिट होता है दैट इज बीज आर, हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि जो बीज होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स ऑन द प्लैनेट। बीज सबसे ज्यादा प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें। तो बहुत जरूरी है कि पास में कोई जो क्रॉप फील्ड्स हो या ऑर्चर्ड्स हो या फिर अदर ग्रीन श्रब्स हो, ऐसी चीजें हो। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर जनरली नहीं पूछा जाता है। नाउ बीज हैव लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो बीज में जो पॉलिनेटिंग एबिलिटी होता है उससे जो बीज है वो क्रॉप का यील्ड बढ़ा सकते हैं, जो खेती का जो पैदावार जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसमें अमाउंट ऑफ यील्ड उसका बढ़ा सकता है। क्यों? बिकॉज इट विल इंक्रीज द पॉलिनेशन इन द स्पीशीज विच इज सराउंडिंग। जैसे कि अगर क्रॉप फील्ड के बगल में बी कीपिंग किया जा रहा है तो क्रॉप फील्ड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लाइकवाइज इन द केस ऑफ ऑर्चर्ड्स। सो यहाँ पर उनके पॉलिनेटिंग एबिलिटीज। अब बीज से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो है हनी एंड बीज वैक्स। तो हनी यू ऑल हैव ईटन एंड बीज वैक्स इज समथिंग दैट इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक और एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ बीज। तो बीज के जो एब्डोमेन में ग्लैंड्स होते हैं वहीं से बीज वैक्स का सिक्रीशन होता है। अब दैट इज यूज्ड इन क्रीम्स, जेलीज, पॉलिशिंग एंड लॉट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूज किया जा सकता है। सो बीज वैक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल एंड दिस हनी इज ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। हनी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। सो दीज आर वेरी नॉर्मल यूजेस ऑफ दिस, बट वी आर नॉट राइटिंग इट बिकॉज इट इज अ क्रैश कोर्स क्लास। सो नाउ द मोस्ट एंड द लास्ट पार्ट इज ऑफ दिस कैटेगरी इज कॉल्ड फिशरीज। So fisheries is the science or the industry of rearing fishes and other aquatic animals for their for food and other purposes. सो फिशरीज में क्या होता है कि फिशेज का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो फिशेज के अलावा भी बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स। सो ये सारी चीजें को भी हम लोग फिशरीज में ही इंक्लूड करते हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोगों को पढ़ना है पिसीकल्चर और एक्वा कल्चर के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ मरीन और फ्रेश वाटर फिशेज के बारे में भी जानना है जो कि बहुत कॉमन होते हैं।
So these are very common fishes which are marine. Now we have to study some freshwater fishes like Katla, Rohu and others. So these are very common fishes. Apart from that, हमें ये पढ़ना है कि जो pisciculture और aquaculture होता है दोनों में क्या difference है. That is a very important part over here. So it involves production of fishes. इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहां पर पिसिकल्चर में सिर्फ फिशेस का प्रोडक्शन हमें करना होता है. यहां पर फिशेस के अलावा बहुत ज्यादा अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका प्रोडक्शन जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एक्सेट्रा. यहां पर जो फिशरीज होते हैं या पिसिकल्चर में हम लोगों को पिसिकल्चर के लिए फूड बाहर से प्रोवाइड करना होता है फिशेस को. यहां पर ना के बराबर फूड प्रोवाइड करना होता है जो भी हम लोग एक्वाकल्चर में ऑर्गेनिजम्स का रियरिंग कर रहे हैं. आफ्टर दैट यहां पर सिर्फ फूड के पर्पस से हम लोग पिसिकल्चर कर रहे हैं. So, ये डिफरेंस होता है पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में. यहाँ मेन पर्पस होता है हमारा फूड प्रोडक्शन. यहाँ पे फूड के अलावा और भी बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करना होता है या फिर इनसे बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं. सो दिस वॉज डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर. दिस वॉज अ क्विक समरी ऑफ योर फिशरीज और द पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर. एनसीईआरटी में पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर के बीच का स्पेसिफिकली डिफरेंस पूछा है एंड दिस इज द डिफरेंस. So apart from that, we have completed the animal part of this chapter and we have to now study about plant breeding.